वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होता है। अंधेरे को कोसने से कुछ नहीं होता मेरे यारों, अपने हिस्से का दिया आपको खुद जलाना होता है। जी बिल्कुल, दूसरे पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होता कि भाई यहाँ पर अच्छी लाइट नहीं रहती थी, इस वजह से हमारा परीक्षा खराब हो गया, हमारे घर वाले हमारा सपोर्ट नहीं करते थे इस वजह से नहीं हुआ, या फिर हमें पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था, घर में ज़्यादा काम होता था इस वजह से नहीं हुआ। ये सभी तो आप खुद बहाने बनाते हैं, करने वाले तो कोयले से लिख कर भी राष्ट्रपति बन जाते हैं। आपने सुना होगा नाम, बताइएगा कमेंट करके कौन था वो जो कोयले से लिखता पढ़ता था और राष्ट्रपति बना था एक बहुत बड़े राज्य का, यानी कि देश का। तो देखिएगा आगे, इसके पहले आपने आदिकाल के बारे में देख लिया था और आदिकाल का एक भाग देख लिया था जिसमें आपने वैदिक काल देख लिया था। आज हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल। तो देखिए उत्तर वैदिक काल में क्या है, कैसे है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर वैदिक काल में कुछ महत्वपूर्ण जो भी खोजें हुई थी गणित में उनके बारे में बात करेंगे। जो लोग नए नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, ये गणित का इतिहास चल रहा है, बाकी ये हिस्ट्री की क्लास नहीं है, मैथ की ही क्लास है, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में अंक गणितीय मूल संक्रियाओं का योग, गुणा भाग आदि ज्योतिषीय जो थे यानी कि ज्योतिषी लोग वो सीख चुके थे, ठीक है। और इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण खोजें इसमें हुई हैं जिनका नाम मैं आपको बताता हूँ। उत्तर वैदिक काल की विशेषता थी ज्यामितीय ज्ञान। उत्तर वैदिक काल में ज्यामितीय ज्ञान हुआ। ज्यामिति जानते हैं? अरे भाई, जिसमें रेखा वगैरह खींचा जाता है, जैसे इसकी लंबाई कितनी है सेंटीमीटर में, मीटर में। और ज्यामिति के अंतर्गत आपका त्रिभुज, ये जो भी बहुत से चीजें आते हैं, रेखा, रेखाखंड वगैरह, वृत्त वगैरह, ये सब आता है ना। तो ज्यामिति ज्ञान क्यों हुआ? ज्यामिति का ज्ञान इसलिए हुआ क्योंकि इस काल में जो ऋषि मुनि थे उसमें जो आर्य थे, क्या था भाई, आर्य ही तो थे ना। हाँ, आर्य विश्वास करते थे कि बिना यज्ञ किए जीवन सफल नहीं होता है, और यज्ञ कब सफल होगा, जब वो किसी विशेष समय पर और किसी विशेष नाप तोल के, मतलब किसमें यज्ञ किया जाए, ठीक है। आगे आपको बताते हैं, ज्यामितीय आकार की वेदियों में किया जाता था यज्ञ। इसको तो आपने देखा होगा, जब रामायण का पाठ होता है तो उसमें एक बनाया जाता है जिसमें यज्ञ होता है, जिसमें आहुति दी जाती है, हवन होता है ना, तो आपने देखा होगा ऐसे त्रिकोणा बनाया जाता है ना, वो त्रिभुज के जैसा, ऐसे ही तो बनाते हैं ना। फिर उसमें आम की लकड़ी और हवन वगैरह डाल करके, घी वगैरह बहुत कुछ होता है जो भी तैयार करते हैं, तब यज्ञ किया जाता है ना, आपने देखा होगा अक्सर होता है ना। तो आर्य क्या करते थे, वो विश्वास करते थे कि इसकी भी एक निश्चित मात्रा होती है, जो पंडित लोग होते हैं, मतलब जो ये सब करवाते हैं उनको मालूम होता है इसकी एक निश्चित लंबाई चौड़ाई होती है, ऐसे नहीं कि गड्ढा खोद लिया बस हो गया। तो उसमें इनको ज्यामिति ज्ञान की जरूरत पड़ी, समझ रहे ना। और फिर इस काल में ज्यामिति ज्ञान, मतलब ज्ञान हुआ, जानकारी मिली। और एक शुल्ल वेदी की रचना में फीते का प्रयोग करने के नियम थे, मतलब इसकी नाप तोल भी फीते के माध्यम से या किसी न किसी माध्यम से इसकी जो है वो लंबाई चौड़ाई निकाली जाती थी, तभी बनाया जाता था। इसके अलावा इतना ही नहीं, रेखा गणित के कुछ प्रमुख सूत्रों का आविष्कार भी उत्तर वैदिक काल में हुआ, यानी कि रेखा गणित भी यहीं से चल रही है। और कुछ प्रमुख जो सूत्राकार हैं उनमें हैं आपके बौधायन, अगस्त्यम्भ और कात्यायन। कौन कौन से हैं? बौधायन, अगस्त्यम्भ और कात्यायन, ये तीन प्रमुख सूत्राकार हैं। इतना ही नहीं, उत्तर वैदिक काल में खगोल शास्त्र गणित की भी शुरुआत हुई थी, मतलब खगोल शास्त्र की शुरुआत हुई थी। खगोल शास्त्र जानते हैं? आपने पढ़ा होगा, ज्योग्राफी यानी भूगोल में होता है। अब आप कहेंगे ये तो भूगोल में चले गए, भूगोल में नहीं, खगोल शास्त्र गणित की एक शाखा है, क्योंकि उसमें ग्रहों उपग्रहों के बीच की दूरियां, उनका क्षेत्रफल, उनका घूर्णन, परिधि, परिवृत्ति, ये सब निकालते हैं ग्रहों और उपग्रहों की, तो उसमें भी कहीं ना कहीं गणित छुपी होती है। यानी कि जो खगोल शास्त्र है वो भी इन्हीं गणित की ही छोटी बड़ी बहन भाई है, इन्हीं से रिलेटेड है, इन्हीं के फैमिली के हैं। तो इतना समझ गए होंगे, आगे देखते हैं, इसके आगे देखिएगा और इस क्लास को पूरा देखिएगा।
जो ना समझ में आएगा उसको क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करिएगा, क्योंकि जब तक लाइव होता है तब तक इस समय आपके जवाब नहीं दिए जा रहे, कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करिएगा। इसके बाद अगला आपका आता है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में क्या क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं घटी, कौन कौन से कार्य हुए। देखिए पूर्व मध्यकाल जो है ये 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसमें क्या क्या हुआ, संख्याओं को लिखने के लिए स्थानीय मान का नियम पूर्व मध्यकाल की देन है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ मिला है इसमें, जैसे बीजगणित की रचना। देखिए आपने देखा होगा आदिकाल में बीजगणित की खोज वगैरह हो चुकी थी, लेकिन बीजगणित की रचना अलग चीज होती है। इसकी खोज जो है वो पूर्व मध्यकाल में हुई, ध्यान रहे बीजगणित की जो प्रारंभ है वो आदिकाल से हो गया था, लेकिन रचना की प्रारंभ जो है वो पूर्व मध्यकाल से हुआ। और शून्य की संकल्पना, शून्य का आविष्कार आदिकाल में हुआ, आदिकाल के वैदिक काल में हुआ, लेकिन शून्य की संकल्पना जो है वो पूर्व मध्यकाल में हुई, ठीक ना। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे भारतवर्ष की हैं लेकिन लोग उन्हें जानते नहीं और विदेशी समझते हैं, जैसे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति शब्द जो है ये भारतीय है, भारत से इसका आविष्कार हुआ है। क्यों, क्योंकि जो आपने देखा होगा अंकगणित की रचना की बात करते हैं, सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत आप कहीं से देख सकते हैं, सूर्य सिद्धांत में त्रिकोणमिति शब्द मिलता है, जो कि कालांतर में जाकर के ट्रिगोनोमेट्री हो जाता है, जिसे इंग्लिश में लिखते हैं ट्रिगोनोमेट्री, समझ गए ना। तो त्रिकोणमिति शब्द जो है ये सूर्य सिद्धांत में पाया जाता है, ये भारतीय शब्द है। और खगोल शास्त्र तथा सूर्य सिद्धांत की उपलब्धियां भी पूर्व मध्य काल की देन है। इसके अलावा अंक गणित की रचना ये भी आपके पूर्व मध्य काल में ही हुई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खोज और उपलब्धियां हैं पूर्व मध्यकाल की। अगर आपके मन में, आपके दिल और दिमाग में कोई सवाल है तो क्लास जब ये लाइव खत्म होगी तो कमेंट करिएगा, आपको बताया जाएगा कमेंट करके, या फिर जो लोग क्लास ज्वाइन किए हैं व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं अपने सवाल, क्योंकि इस समय लाइव का आपका कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा है कुछ समस्या के कारण, कमेंट्स वगैरह हमें नहीं दिख पा रहे हैं, नहीं तो हम आपको बताएंगे। लाइव के बाद अगर जो भी आप कमेंट करेंगे सब मिलेगा, आप एक बार फिर से क्लास देखिएगा और कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है ना। जब तक ये प्राइमरी लिखा होगा रेड कलर में तब तक नहीं हो पाएगा, तो इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं हमारे मित्र, फिर हम लोग आगे चलते हैं, जल्दी करें। और मैं आपसे कहना चाहूंगा अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया पाबू तो जल्दी से लाइक कर दें, जिससे कि आपको सभी क्लास मिल सके, और इस क्लास को खत्म होने के बाद दोस्तों में शेयर करिएगा, फिर आगे देखते हैं। मित्रों चलते चलते कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको दिखा दूं, ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग हर दिन क्लास चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर JOIN ज्वाइन लिख करके भेजें, जिससे कि आपको सभी क्लास मिल सके। इसके अलावा pbrstudy.com पर विजिट करें और PDF फाइल वगैरह डाउनलोड करें, करंट अफेयर, GK GS वगैरह पढ़ें। अगर कोई समस्या होती है वेबसाइट से भी तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं pbrstudy@gmail.com। इसके अलावा मैथ के सिवा हिंदी, अंग्रेजी, बाल विकास, मनोविज्ञान, पर्यावरण और सभी विषय पढ़ने के लिए अनअकैडमी पर फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तथा फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें, जिससे आप मौज मस्ती के साथ साथ फेसबुक पर भी ये वीडियो और ये क्लासें को देख सकें। ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, जिससे आप हमारे साथ जुड़े रहें और अप टू डेट रहें। इसके अलावा मैथ को आसान बनाने के लिए मैथ आसान है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, क्लास खत्म होने के बाद लास्ट में आपको स्क्रीन पर दिखेगा। और मैथ को बहुत अच्छे तरीके से सीखने के लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए PBR स्टडी ग्रुप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारी लिंक, बहुत सारे चीज़ें दी गई हैं, उन्हें आप लोग देखें। अगर डिस्क्रिप्शन आपको देखना नहीं आता है तो इस नंबर पर संपर्क करें, बहुत से हमारे साथी ऐसे देख रहे हैं जिनको कमेंट करना नहीं आता है, तो वो लोग भी इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके कमेंट करना भी सीख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई सवाल और भी हैं अभी आपके तो आप उसे भी पूछ सकते हैं, निसंकोच बिल्कुल। याद रहे हर रात्रि आपकी DLED की क्लास जो है ये रात्रि 10 बजे से होती है। इसके अलावा जीरो लेवल की गणित की क्लास शुरू से आपकी सुबह 5 बजे से होती है, जिन लोगों ने क्लास ज्वाइन किया उन्हें हर दिन मिलती है। और टेट एंड सीटेट की मैथ भी शुरू हो चुकी है, इसके साथ साथ रिया मैम आपको इंग्लिश की क्लास भी लेकर के आई हैं, दिखाती हैं, आपने देखा होगा।
और हिंदी की क्लास भी चांदनी मैम आपको पढ़ाती है, आपने देखा होगा अमर सर जी के जीएस करंट अफेयर, और बहुत सी क्लास आपकी चलती हैं, सबका शेड्यूल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वो शेड्यूल पुराना है तो जल्दी ही अपडेट कर दिया जाएगा, आप अप टू डेट रह सकेंगे। तो सभी क्लास आपके लिए उपलब्ध होंगी, बस जल्दी ही थोड़ा सा वेट करिएगा, आपकी क्लास फिर से लाइव होंगी दो दो घंटे एक एक घंटे की। इन उम्मीदों के साथ ये उम्मीद करते हैं कि आप इस क्लास को लाइक करके और दोस्तों में शेयर करके जाइएगा। तो इन्हीं बातों के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।